राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आलक्ष्मी फाइनली गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच जाती है, जहां पर गुरु शुक्राचार्य आलक्ष्मी को आदेश देते हुए कहते हैं कि कल कृष्ण विद्या लक्ष्मी की कथा सबके सामने सुनाए, इससे पहले तुम उस कथा में विघ्न डाल दो। आलक्ष्मी सीधा वहां जाती हैं और कहती हैं कि मैं सरस्वती के ज्ञान को द्वारिका वासियों तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, और राधा के मन से मैं मन और मस्तिष्क से प्रेम कहीं भुला ही दूंगी, और क्यों ना इस कार्य में कथा से पूर्व कृष्ण आप बांसुरी की अपनी मधुर धुन सुनाए। ये सुनकर राधा भी उत्सुक हो जाती है और कहती हैं कि हाँ कृष्ण, तुम अपनी बांसुरी की धुन बजाओ। जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश करते हैं, वहाँ धुन नहीं बल्कि बहुत ही बुरा स्वर निकलने लगता है, जिसे सुनकर राधा सरप्राइज हो जाती है। राधा कहती है कि कृष्ण बांसुरी के सुर छेड़ो ना। कृष्ण राधा के सामने उदास होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है राधा कि मैं बांसुरी बजाना भूल चुका हूँ। ये सुनकर राधा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और आलक्ष्मी का ही ये सब कुछ किया धरा है, जिसके बाद क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।